अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरयार अफजल है, मैं मानसरा का रहायशी हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों ने देखा CID न्यूज़ अप पर भी, मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे, कि जिस तरह से जो चंद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उन्होंने मेरे साथ इंतहाई ज़्यादा बदतमीज़ी की और मिसट्रीट किया, और जिस तरह से मुझे ह्यूमिलिएट किया पब्लिकली, और जिस तरह से उन्होंने मुझे ड्रैग किया, जो कि शायद फुटेज के अंदर नहीं आया, जिसके पब्लिक विटनेसेस हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर सिटीज़न जो है, हर शहरी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी डिग्निटी होती है, जिसको हार्म नहीं करना चाहिए, और इनको बिल्कुल भी हक नहीं पहुँचता कि ये किसी शहरी के साथ मिसबिहेव करें, बुरे तरीके से बात करें। रिसेंटली भी कुछ इंसिडेंट्स इस किस्म के हुए हैं, लेकिन इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं फिर कंप्लेन लेके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसरा मिस्टर सादिक बलोच के पास गया, जिस अच्छे अंदाज में और जिस कर्टिसी के साथ और इतने अच्छे रवैये के साथ उन्होंने मेरी जो कंप्लेन है उसको सुना और उन एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया, ये अनप्रेसिडेंटेड था, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितने अच्छे अंदाज से उन्होंने डील किया, कि मुझे उनके अंदर बिल्कुल जो तब्दीली है उसकी कुछ उम्मीद नज़र आई है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम शहरियों से, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं या और जो ऑफिसर्स हैं, वो अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अच्छा बिहेव कर सकते हैं, तो ये ट्रैफिक एहलकार या ये कुछ कॉन्स्टेबल्स, ये हमारे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा, जो मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरे मानसरा की आवाम की तरफ से, कि क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क और पूरी दुनिया में जिस तरह कोरोना वायरस है, लोग फाइट कर रहे हैं कोरोना वायरस से, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि काइंडली आप ट्रैफिक पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि वो लोगों पर कम से कम जुर्माने करें, क्योंकि ऑलरेडी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जो इन जुर्मानों की वजह से लोगों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और कि आप इस पर अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकें, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मानसरा का भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिस तरह से उन्होंने इस सारे मामले को हल किया।